जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज़ क़ायम करो और ज़क़ात दो अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक फ़रीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा अल्लाह से डरना चाहिए या कुछ उससे भी बढ़ कर कहते हैं खुदाया हम पे लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी उनसे कहो दुनिया का सरमाया ज़िंदगी थोड़ा है और आख़रत एक ख़ुदा तर्स इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है और तुम पर जुल्म एक शमा बराबर भी ना किया जाएगा रही मौत तो जहाँ भी तुम हो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी खा तुम कैसी मजबूत इमारतों में है अगर कोई फ़ायदा पहुँचता है तो कहते हैं अल्लाह की तरफ़ से है और अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो कहते हैं कि तुम्हारी बदौलत है कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ़ से है आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कोई बात इनके समझ में नहीं आती ऐ इंसान तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब और अमल की बदौलत है ये आयत निशान लगनी चाहिए माँ माँ का मिन हसन अती फ़मिन अल्लाही व मै असाबा सैिन फ़मिन नफसिक ये आयत मेरे मेरे दिमाग में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि मेरा शुक्र ना भूले ताकि हम तकबर से बचे रहें अपनी हर भलाई और फ़ायदे को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए ऐसा करेक्टर बनाना चाहता है क़ुरान हमें और ये आयत हमें यही सिखाती है हर चीज़ किसकी तरफ से है अल्लाह की तरफ से अपने बच्चों को भी सिखाएं हम बात बच्चों की ज़बानों से ऐसी चीज़ें निकलती हैं पहले ज़माने में आज भी आप हिंदुओं को देखिएगा ना या कोई ऐसे हम तो हिंदुओं के बीच रहे हैं इसलिए हम जानते हैं वो सबसे पहले भगवान को ऐसे नज़र उठा के प्रार्थना करेंगे उसके बाद अपने माँ बाप को हालांकि जाहिल से जाहिल है माँ बाप और उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है दुनिया में एजुकेशन एजुकेटेड भी बहुत हो गया है उसने हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया की हास, हासिल कर ली हैं लेकिन वो फिर भी अपनी तमाम चीज़ों के नस्बत अपने माँ बाप और अपने भगवान की तरफ़ देते हैं कि इनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और यही वजह है कि आज वो भी आज वो दीनदार नहीं है लेकिन माँ बाप का दर्जा बहुत ज़्यादा है उनकी नज़र में और हम मुसलमानों के को आप देखें औलादों की नाफ़रमानी और तकलीफ़ पर रोते धोते दिखाई देते हैं मुसलमान बच्चों ने यह समझ लिया कि बस सब कुछ उनकी अपनी काबिलियत जो उनके दिमाग में है ये सब कुछ जो पैसा है वो कमा रहे हैं ये सब कुछ उनके अपनी मेहनत का नतीजा है तो फिर अल्लाह कहाँ गया फिर माँ बाप कहाँ गए जिसने उस छोटे से गोश्त के टुकड़े को उस वक्त पाला था कि अगर पाला ना जाता तो आज ज़िंदा ना होता तो ये चीज़ें बच्चों को बताएं सिखाएं कभी बैठ के अब ये मौका है ना उनको बताएं वो कितने छोटे होते थे उस बात का इंतजार ना करें कि जब उनके बच्चे आएंगे उनके गोद में तब उनको पता चलेगा कि ऐसे गोश्त के लोथड़े को पाला गया है कुछ अपनी तकलीफों को अपनी चीज़ों को अपने स्ट्रगल को सुनाना चाहिए अपने बच्चों को ताकि उन्हें उस स्ट्रगल का पता चले जो कि जो हमने की इस मुल्क में आकर उनको सेटल करने के लिए जो उस वक्त वो छोटे थे उनको एहसास नहीं है ताकि वो कदरदानी समझ सकें तो लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपने मिजाज के अंदर इंसान को हर भलाई के लिए अपने आप को तैयार करना है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब की जाए और तकलीफ़ में तकलीफ़ आए तो क्या किया समझा जाए कि मेरे गुनाहों का ये की वजह से है मेरे गुनाहों की वजह से है अल्लाह की तरफ़ से आती है हर तकलीफ़ लेकिन हमें उसको सही तरबियत लेने की जो है ना हमें हमारी तरबियत की गई तकलीफ़ में अपने गुनाहों पर वो तकलीफ़ को समझते हुए इंसान गुनाहों से तौबा करता है इंसान अपनी तरफ पलट के देखता है और जब तौबा करता है तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो यहाँ पर यह कहा जाता है हमारे पास क्या है कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो कहते है, ओहो ये तो उसके गुनाहों का उसके अमाल की सज़ा है कभी अपनी तकलीफ़ पर हमने ये नहीं कहा कि ये मेरे अमाल की सज़ा है हम दूसरों को तो ज़रूर सज़ावार बताते हैं हम कभी अपने आप को नहीं बताते बहुत कॉमन है हमारे हमारे लोगों में और हम में और आप में यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है अल्लाह ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर जो अपनी तरफ नज़र करता है अपने अंदर झांकता है और अपने आप को देखता है कि मैंने क्या कुछ ऐसा किया और और अल्लाह अकबर शलफ़ के बारे में है और इवन सहाबा के बारे में भी यह बात कहीं पर आती है ताबइिन के बारे में शायद यह बात आती है कि जब उनकी सवारी जिस पर वो घोड़े पर बैठते और वो उनसे नाफरमानी करती तो वो ये समझ जाते हैं कि उन्होंने कहीं पर अपने रब की नाफरमानी कर दी है वो समझ जाते हैं कि उनसे कोई नाफरमानी का काम हो रहा है जिसकी जिसका इशारा यहाँ मिल रहा है हमें जो तकलीफ यहाँ पे आ रही है ना उसकी वजह पीछे कोई अल्लाह को दी हुई तकलीफ़ है अल्लाह अकबर तो ये है हमारे पास ये होता है इसमें हमें क्या बताया गया जब तकलीफ़ आए तो अपने गुनाहों को देखना है और अपने गुनाहों से तौबा करनी अगर दूसरों पर तकलीफ़ आएगी तो उसको आजमाइश समझा जाएगा उसके दर्जात की बुलंदी का सबब समझा जाएगा हम अपने लिए आजमाइश और दूसरे के लिए अजाब या गुनाहों की सज़ा समझते हैं बिल्कुल ऐसे पलट लें अपने नज़र को अपने जाविये को कि दूसरों के ऊपर है दूसरों की नेकियों को हम नहीं जानते क्या पता अल्लाह रब्लमीन नेक से नेक लोगों के ऊपर आती है ऐसी ऐसी आजमाइशें और आप और हम कहते हैं या अल्लाह ऐसे नेक लोग अगर ऐसे आजमाए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या ऐसा गुनाह था कि इतना उनको इतनी सज़ा मिली गुनाह नहीं था अल्लाह आलमीन ने उनको ये चाहा कि मज़ीद उनके दर्जात कुछ तो उन्होंने अपने नेकियों से हासिल किए कुछ मज़ीद उनके दर्जात अल्लाह रब्बुल रब्लम बढ़ाना चाहता है इसी इसी रुकू में अल्लाह रब्बुल रब्लम ऐसे लोगों के बारे में भी बातें करते हैं जो जो बातें बनाते हैं लंबी लंबी बातें अगर मेरे पास ये हो जाए तो मैं ये कर दूँगी और आपको और हमको इस दुनिया में भी मिलते हैं हमको मिलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो ऐसी बातें बनाते हुए आते हैं हमें यह लगता है अल्लाह अकबर ये तो कोई नेमत जैसे कोई नेमतों का ख़जाना ही मिल गया हमको अगर ये अगर हमारे हम 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 हमारे साथ इतनी बातें बना रहे हैं तो ये तो पता नहीं हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे फिर ऐसे जाते हैं कि फिर उनकी गर्द का भी पता नहीं चलता वो भाई ये तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे ये कहाँ चले गए तो बस कहाँ चले जाते हैं जब मेहनत का पता चल जाता है जब किसी मुश्किल का पता चल जाता है जब पता चलता है कि यहाँ पर इतनी इतनी जाने खपाने वाले काम हैं तो फिर वो सारे बनाने वाली बातें हवा हो जाती हैं तो हम तो एक ऐसे कैरेक्टर बन चुके हैं ये उम्मत जिसको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाना हम काल वाले लोग बन चुके हैं और इसमें मेरी अपनी ज़ात भी शामिल है लेकिन जब पुरानी आयत पढ़ते हैं तो सीखते हैं हम भी सीखें आप भी सीखें अल्लाह रब्बुल आलमीन को बोलने से ज़्यादा करने वाले अमल पसंद हैं अल्लाह ने ऐसे किरदार को ऐसे करेक्टर को ऐसी सीरत को पसंद नहीं किया जो बोले तो बहुत लेकिन करे कुछ भी ना तो हमको और आपको ये बनना है अल्लाह आलमीन ने हमें यानी हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें नबी नबीसम की ज़िंदगी में आप देखें आपकी कितनी नसीहतें थीं आपसे लोगों ने महज़ जो है वो आपसे लोगों ने महज़ आ, अमल से सीखा आपके कितनी सारी चीज़ें आपने ज़बान से बहुत कम तबलीग की है आपका अमल ही आपके लिए बोलता हुआ तबलीग था तो इन शाला तल अपनी बातों को बोलने से पहले जज कर लिया करें नाप लिया करें कि जो मैं कह रही हूँ वो बात इतनी है भी कि नहीं है ऐसे करेक्टर को, को कोई पसंद नहीं करता लोग थोड़े दिन में आप तो आप आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ी बड़ी बातें करके लेकिन थोड़े दिनों में लोग आपको हल्का समझ लेते हैं इसलिए कि जान जाते हैं कि आप ये बोलेंगी बहुत बड़बड़ के मगर करेंगी कुछ भी नहीं तो आगे चलते हैं आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग इस वक्त आयत नंबर एटी पर हैं हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है और कितना बड़ा एजाज़ दिया गया है आप यहाँ पर देखिए इस आयत में कितना बड़ा एजाज़ है नबी वसल्लम को और क्यों हम अल्लाह के नबी की बात को इनकार करना हमारे लिए जो है वो नुक़सान बन जाएगा अल्लाह के नबी की हदीस को ठुकराना हमारे लिए नुक़सान का सबब बन जाएगा पढ़िए शायद को कि जिसने रसूल की इताद की मैं युति रसूल फ़कद जिसने रसूल की इता की उसने दरअसल अल्लाह की इतात की और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल उसने तुम्हें उन लोगों पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजा है नबी नबीम की एक हदीस मौजूद है कि जन्नत में हर कोई दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने उसका इनकार किया तो साहबा ने कहा यारसोल्ला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा भला आपने कहा जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया और जन्नत का भी तो अल्लाह अकबर ये जो हमें जो हदीसों से हटा के इस मसला का उस मसला का उस मसला का उस मसलक में फंसाया जाता है आप देखें कि कितना जो है ना ये नुकसानदेह बात है कि हम और आप, आप हदीसों को छोड़ के मसलकों में उलझे रहें हमारा आपको अल्लाह के नबी नबीम की बताई हुई बातों पर अतिवती रसूल यही मेरी निजात का ज़रिया है कहीं पर मेरा हनफी होना हम्बली होना शाफ़ई होना और मालिकी होना निजात नहीं देगा और अगर हम मोहम्मदी हैं तो फिर हम हनफी भी हैं हम शाफ़ई भी हैं हम मालिकी भी हैं और हम हम्बली भी हैं इसलिए कि किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के नबी के बाद नहीं मानो ये तो बाद में उनके वफ़ात के इन इमामों के पाँच सौ साल के बाद ये मसलक बन गई हनफियत बन गई या शाफियत बन गई और फिर उम्मत को इन फ़िरकों में बांट दिया गया और उसके बाद उनको गर्दन झुका के गर्दन पर हाथ डाल के झुकाया गया कि नहीं तुम हनफी हो तो तुमको हनफी ही रहना पड़ेगा तुम शाफ़ी हो तो तुमको शाफी ही रहना पड़ेगा तुम मालकी हो तो तुमको मालकी ही रहना पड़ेगा और तुम हमली हो तो तुमको हमली रहना पड़ेगा ये सब कुछ बात की खराफात हैं इसलिए आपको और हमको सबसे पहले ये आयत नहीं बता रही हमको और आपको रोज़ कुरान पढ़ते हैं ये लोग मसल की लोग और फिर जब कहीं पर किसी तरीक़े की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी हम तो हनफ़ी हैं हमें हनफी ही हमें हनफी तरीक़े पर ही चलना पड़ेगा ओ भाई तो हम हनफ़ी हैं तो क्या मोहम्मदी नहीं होना है हमें आपको किसकी बात बताई जा रही है आपको अल्लाह के नबी नबीम की बात सही हदीस से बताई जा रही है तो खैर ये बहस बहुत बार बार मेरे पास आ जाती है और बार बार चूँकि हम इतने दिनों से काम करने के साथ और पढ़ने के बाद जिस जंग और जिस लड़ाई को हम देख रहे हैं फिक्री लड़ाई को और फ़िकी लड़ाई को उसकी वजह से ये दुख मेरे अंदर से निकलता है कि या अल्लाह ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि फ़िका कोई बड़ी चीज़ नहीं है कोई गंभीर चीज़ नहीं जिसको कोई बड़ा फ़ीर ही बयान करे और भाई आप एक बुखारी उठाइए और तरीक़ा समझ जाइए और अमल करना शुरू कर दीजिए कहते हैं, नहीं जी फ़िका अपना बयान करें फ़िका तो बड़े बड़े फ़कीह लोगों का काम है आप सीधे सीधे कुरान को पढ़ा दें अब ये सीधे सीधे कुरान का पढ़ना क्या होता है भाई अगर अमल सही ना हुआ अगर हिदायत नहीं ली अगर अल्लाह के नबी वसलम की बात नहीं मानी तो सीधे सीधे कुरान का पढ़ाना क्या है बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो ये सारे दुख हैं जो मेरी पूरी ज़िंदगी पर महित हैं हम बात समझ क्यों नहीं जाते या अल्लाह या अल्लाह करे कि हम हिदायत इस बात को समझने में क्या मुश्किल है कि कोई अल्लाह के रसूल की तरफ पुकारता है आपको हुँ? तो कुरान भी तो कहते हैं अति वती रसूल सुर निसा की आयत के निशान लगा ले और कहीं के पर कोई बात रखनी हो तो कह दे कि देखें हमारे लिए तो यही एक जरिया निजात है बाकी कुछ भी नहीं है आयत नंबर एटी है सुर की और एक औरत होने की हैसियत से हम और आप को अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है समझाने का तरीक़ा इसीलिए तो फ़रत हाशमी में इतनी मकबूल क्यों हुई औरतों में ख़ैर अलहमदल्ला लेकिन उसके उनके मकबूल होने की एक वजह ये है कि औरतों को समझाने के लिए औरत की बात औरतों को समझ में आती है मैच करती है ना चीज़ें इमोशंस मैच करते हैं तकलीफ़ें मैच, मैच करती हैं बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं तो वो बात समझ में आती है और दूसरी बात यह है कि औरतों को समझाना भी कम ना समझा जाए एक औरत समझ जाए तो पूरा ख़ानदान समझ जा सकता है और आज तो औरतों की हम ऐसे दौर में जी रहे हैं फेमिनिस्ट दौर में जिसमें कि औरतों की सु, सुपरिटी है हर फैमिली में जो बीवी चाहती है वही काम हो रहा है तो फिर अगर बीवी दुरुस्त हो जाए तो फिर क्या सब कुछ सही ना हो जाएगा इन शाला तल मेरे पास आजान हो रही है तो अज़ान के बाद हम लोग चलेंगे इन शाला जजाक मुल्लौन कसरा आमीनी और अबीन तो आगे चलने से पहले कुछ चीज़ें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब से ये है कि प्लीज़ आप सब प्लीज़ आप सब जो है ना वक्त पर आया करें और वक्त से मेरी मुराद ये है कि दस मिनट पहले आने की कोशिश करें ताकि जब हम मेरी कोशिश ये होगी कल से कि क्लास को ग्यारह बजे शुरू कर दिया जाए ताकि हमारा जो, जो, जो दस मिनट शुरू का ज़ाया हो जाता है उसमें कुछ आगे पढ़ा जा सकता है बाद में इसलिए कि हम स्लो जा रहे हैं देख रहे हैं आप और आपको और हमको समझते हुए जाना है इसलिए हम स्लो हैं और अलहमद हमें अपने स्लो होने पर कोई शर्मिंदगी इसलिए नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब इतने सारे लोग जमा हैं तो उनके उनको कुरान की सही समझबूझ दी जाए आज के दौर में जीते हुए आज के दौर में रहते हुए हमें अपने किरदार और अपनी सीरत को कैसे संवारना है क़ुरान से जब तक आपको आज के दौर में रहते हुए ये बात नहीं समझाई जाएगी मेरे लिए और आपके लिए कुरान इसी तरह रहेगा कि महज तिलावत से गुज़र गए और हिदायत दिल को छू के ना गई तो इन शी इसको छूने में इसको पढ़ने में इसको समझने में वक्त लगता है तो वक्त लग रहा है और हमें उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आगे चल के हम इनशाल्लह तल इसको देख लेंगे और दूसरी बात यह है कि आप वक्त पर आएंगे तो इन हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा और एक्सलरेट कर लेंगे अब तो कुछ ज़्यादा सबक अपना बढ़ा लेंगे दूसरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग आपको दो सूरतों में हमने सोचा है भेजें इसलिए कि बाज़ लोगों से मेरी बात हुई तो उनको उनसे ये पता चला ख़ासतौर पर इंडिया वाले लोगों से मेरी जब बात हो रही थी और कुछ मनाज आपा ने भी ये बात कही थी अब हमें नहीं पता कि उनको अब ये बात इसी तरह है या दूसरी बात है उनके पास कि कुछ लोगों के पास लिंक ओपन नहीं होता जो लिंक की शक्ल में भेजी जा रही है रिकॉर्डिंग तो शायद उनको फिर शायद इसी तरह भेजने में जो हम लोग तीन हिस्सों में जो रिकॉर्डिंग डाउनलोडेड वाली रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो वाली रिकॉर्डिंग अगर भेजने से उनको फ़ायदा हो रहा है वो कहते हैं है, हमारे पास लिंक नहीं खुल रही तो हम दोनों चीज़ें ऐसा महसूस होता है कि अब शायद दोनों चीज़ें मुहैया करनी पड़ेंगी सकीनत पर ताकि आप में से जिसका लिंक खुल जाए वो वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे सही है कुछ काम आपका बढ़ेगा लेकिन कुछ फ़ायदा लोगों का बढ़ जाएगा आप तो आप परेशान नहीं हों कि आपको दोनों चीज़ें क्यों भेजी जा रही हैं दोनों चीज़ें इसलिए भेजी जा रही हैं कि जिनके पास लिंक ओपन नहीं हो रहा वो इसी रिकॉर्डिंग से सुनेंगे और जिनके पास लिंक ओपन हो रहा है वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें जिनके पास लिंक ओपन नहीं हो रहा वो वो लिंक को डिलीट कर दें ठीक है ना तो इन शाली इस तरह फ़ायदा बढ़ जाएगा दूसरी बात यह है कि जिनके भी अब इतने सारे लोग माशाल्लाह ऐड हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत ऐड कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त अगर हम किसी एक फर्द का नाम लेना चाहें माशाल्लाह जैसे महरोज़ ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा हुआ है और शीमा ने माशाल्लाह डाल दिया था तो इतने सारे लोग उस ग्रुप से आ गए हैं अभी और तनवीर आपा ने माशा इस वक्त इतने सारे लोगों को जोड़ा है और भी बहुत सारे लोग हर दिन ही मेरे पास किसी ने किसी का आ रहा होता है कि आप इसको सकीनत से जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने पास अपनी लिस्ट रखिए तमाम लोग अपने पास अपनी लिस्ट बनाएं कि कौन वो लोग हैं जो दौर कुरान में हमारे साथ हैं इन श्ला दुआ में हमारे पास एक लिस्ट मौजूद हो और हम भी खुशी महसूस करें हम भी अनजान नहीं रहना चाहते लोगों से हम ये चाहते हैं कि वो मोहब्बत जो हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से करते हैं उस मोहब्बत का सुरू हासिल किया जाए एक दूसरे से वह ख़ुशी हासिल की जाए जो अल्लाह की मोहब्बत में मौजूद है यानी अल्लाह के लिए की मोहब्बत में मौजूद है अल्लाह की महब्बत में तो है ही है तो जो हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे उसमें भी एक सुरूर है तो वो मालूम हो जाए और दूसरा ये कि उन्होंने सुना है कम से कम एक बार उनका नाम लेना इस प्लेटफॉर्म पर ये उनका हक़ बनता है तो मुझे हमको उम्मीद है कि आप सब लोग जिनका नाम हम जान रहे हैं जिन्होंने जिनका नाम हमने लिया वो लोग अपने लिए ज़रूर अपने लिस्ट बनाएँगे ख़ासतौर पर आज के वक्त में जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है और फिर उनके थ्रू जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो सब लोग अपने पास एक लिस्ट रखें हमें वो लिस्ट व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दें अगर नाम लिख करके के इन शाला दूसरी चीज़ यह है कि जो अब उसके अलावा जो हमारा पुराना ग्रुप है मसलन फ्लोरिडा का जो ग्रुप है जो फ्लोरिडा के एडमिन हैं जो इंडियाना के एडमिन हैं जो अलहुदा के नाहिदापा जो है माशाल्लाह रुबीना रिहाना ये लोग जिन जो लोग के ज़्यादातर हमारी नजमाबाजी जिनके तरफ से ज़्यादातर लोग सुनते रहे हैं और सुनते आए हैं पहले भी तो वो लोग भी अपने पास अपनी एक लिस्ट बनाए हम ये चाहते हैं कि हम हम बहुत कबल अज़ वक्त उन तमाम चीज़ों के लिए तैयारी कर लें जो दुआ के वक्त में हम कभी बहुत देर में करते थे इसलिए ताकि हमारे पास पहले से ये बात पता हो कि ये इतने सारे लोग हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम देख रहे हैं उनका नाम जिनको बहुत सारों को हम जान नहीं रहे हैं उनका नाम उस पर जब आता है तो हमें लगता है इस नाम के किसी फ़र्द को हम जानते हैं अभी ओहायो का हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ओहाय से ज्वाइन कर रहे हैं अब ओहायो में कुछ लोग तो हैं जिनको हम जानते हैं तनवीर आपा है माशाला लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं जिनको तनवीर आपा ने लिखाया है और जिनको नहीं भी लिखाया तो कुछ लोग जो तनवीर आपा के तवसुत तो से आ रहे हैं उनका तो हमको पता है फिर भी लेकिन जो लोग उसके अलावा हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी से सुना और कहीं से सुना कहीं पर कोई फ्लायर देख लिया और किसी से सुन के या किसी का नंबर देने की वजह से आए हुए हैं माशाला हम हाँ मेरी सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मेरे सेल फोन पर कॉल करें मेरे घर के नंबर पे कॉल करें अपना टेक्स्ट ही डाल दें कॉल ना भी करें और किसी को लगता हो निकत मसरूफ़ होती हैं जैसा सब लोगों को ऐसा दिखाई देता है हालांकि ऐसी बात नहीं है तो आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है तो आप जो है प्लीज़ अपना एक एक कॉल करके कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं और इससे बहुत कुछ नौशाबा आपने हमको कॉल किया इतना हौसला मिला और इतना अच्छा लगा ना ही दापा के थ्रू आई थी और जब उन्होंने बातें की तो हमको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे बातें समझ में आ रही हैं तो हमको इतनी ख़ुशी हुई फिर इन बातों से मैं और मेहनत करने का और आप लोगों के लिए दुआ करने का और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने माशाल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कुछ कुछ जिन्होंने आलिम का भी कोर्स किया हुआ है कुछ हैं जो इतने सारे लोग डॉक्टर्स हैं कुछ लोग हैं जो कितने सारे लोग इतने, लो, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो अल्लाह से कितनी अपने लिए ये दुआ मांगी जाए और कितनी दूसरों के लिए मांगी जाए कि अल्लाह करे कि हम समझते हुए सारे लोग अमल करते हुए जन्नतलफिरदौस में एक दूसरे के साथ वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं जैसा अल्लाह ने हमें यहाँ जोड़ा है अल्लाह हमें वहाँ भी जोड़ दें इन शाह तला और अफशीन को तो बहुत है कि सकीनत ग्रुप का इन श्र्ला तै वहाँ पर भी यानी पूरे लोगों के लिए करेंगे करेंगे इनशाला लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम सब अल्लाह तला हमें अपनी रहमतों में ढाँप के ले जाए तो इन शाला अपने सकीीत ग्रुप की खास दावतें भी करेंगे और ख़ास तौर पर अपने ग्रुप के भी इसलिए कि इस ग्रुप से जुड़ने की वजह से हम अल्लाह से करीब हो गए ना तो ग्रुप बंदी नहीं हो रही बल्कि ये हो रहा है कि एक इंसान उस ग्रुप के ज़रिए पहचाना जाता है एक पहचान बनती है बस इसकी बात हो रही है इन शाला तल तो हमें उम्मीद है कि अब तो जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं सब हमारे ग्रुप में हैं इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन एक वक्त में हम बहुत सारे ग्रुप में भी हो सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि इंसान ये कह कर नहीं नहीं आपने अपना नाम क्यों ले लिया मेरे साथ मैं तो फ़लाने ग्रुप की हूँ ये भी सोचना सही नहीं है हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नाम पर जितने भी ग्रुप बनेंगे हम उन सबका हिस्सा है इन शाह तो दिल के अंदर एक वसत तो पैदा करनी चाहिए तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ये करेंगे तो हम लोग आगे चलते हैं इन शी हम निसफ तक इन इसको मुकम्मल करेंगे आयत नंबर एटी सिक्स तक सॉरी एटी सेवन तक पढ़ लेते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि हम लोग इस वक्त आयत नंबर एटी टू पर हैं कि वो मुंह पर कहते हैं कि मती फरमान है मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक ग्रोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के ख़िलाफ़ मशवरे करता है अल्लाह उनकी ये सारी सरगोशियाँ लिख रहा है तुम इनकी परवाह ना करो अल्लाह पर भरोसा रखो वही भरोसे के लिए काफ़ी है क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ़ होता तो इसमें बहुत कुछ अख्तलाफ़ बयानी पाई जाती ये लोग जहाँ कोई इतमीनान बख्श या खौफनाक ख़बर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के ज़िम्मेदार असाब तक पहुँचाएँ तो वह ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि उनसे सही नतीजा अखज़ कर सकें तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी थीं कि मदूद चंद के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते यानी कुरान के अंदर इख्तलाफ मौजूद नहीं है और अल्लाह के नबी ने इस बात पर सख्त नापसंदगी का इज़हार किया जब इंसान कुरान के मामले में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करे किसी को, को कोई बात समझ में आ गई मफहम मौजूद है अलग अलग और हर कोई अपने मफहम को हाँ कुरान और हदीस के मिजाज के ख़िलाफ़ और दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ बात नहीं निकाली जाएगी यहाँ पर लेकिन यह है कि हर इंसान जो अपने अपने मिजाज अपने अपने मफहम को अपनी अपनी बसीरत के अतबार से ले आता है अगर वो कुरान और हदीस के मिजाज के मुताबिक है तो इन शाल उसे कबूल किया जाएगा दूसरी बात यह है कि किसी भी ख़बर को आगे बढ़ के अब इस वक्त देखें व्हाट्सअप का कितना बड़ा एक पूरा सेटअप मौजूद है जो कि बनाई हुई गढ़ी हुई ख़बरों से भरी पड़ी यह चीज़ें वो फोफ दिल तक परेशान हो जाता है और आपको भी और हमको भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि क्या ख़बर सही है और क्या सब खबर गलत है आगे बढ़ाने से पहले इन शाह तला कुछ थोड़ी सी तफ्तीश कर लें और अगर नहीं हो सकती है बात और नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ उसको एज इज़ डालें लेकिन ये कहें कि भाई ये लगता तो सही है लेकिन हमें नहीं पता कि यह सही है कि नहीं है इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले के भी वीडियोस लोग डाल डाल के ऐसा साबित कर रहे हैं जैसे ये आज के ज़माने की बात है या कुछ ऐसी फ़ेक वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं जैसे कैसा ही हो रहा है दुनिया में शायद तो अब तो इंडिया में भी बहुत सख्त कदम उठाया जा रहा है और हर जगह वाट्सअप के न्यूज़ के बारे में बहुत सख्त खबरें बहुत सख्त कदम उठाई जा रही हैं चीज़ें और आप देखें व्हाट्सएप ने भी अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया है पहले आप व्हाट्सअप के एक मैसेज को सारे अपने कॉन्टैक्ट्स में भेज सकते थे मगर अब पाँच से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता आपको इसका मतलब है उसने भी रुकावट डाली है कि बेबुनियाद ख़बरें बेबुनियादें बातें आगे ना जाएँ तो हमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है और हम में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोस भेज रहे होते हैं हम हमको ये लगता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर भेजी जाए मगर कुछ दूर भी रहा जाए इस फ़ोन से थोड़ा सा वक्त लगा के काम का काम कर लिया जाए इसमें एक बार आप सेल को उठाइए आपके आधे कम से कम जो टाइम आप लगाएंगे इसमें वो आधा घंटा है थर्टी मिनट्स और अगर आप थर्टी मिनट्स कुरान में लगाते हैं तो आपका एक पारा मुकम्मल हो जाता है अब आप इसके अजर को कि जी हम नेकियों को जान जाएं हम लोगों को आगे बढ़ा दें इस नेकी को वज़न करें कुरान के एक पारा से किसका वज़न ज़्यादा है और कौन रुकावट बन जाता है मेरे उस पारा में यानी कुरान फ़ोन को उठाकर आगे भेजने का टाइम तो मेरे पास है हमें से कोई नहीं कहता कि मैं आगे नहीं बढ़ा सकती मैं हर वक्त तैयार हूँ सुबह उठ उठ के देखती हूँ फ़ज़र के वक्त में देखती हूँ मेरे पास क्या मैसेज आ रहे हैं मैसेजेस ना हो गए अल्लाह की वही हो गई कि उसको हर वक्त देखना ज़रूरी है तो इसको इससे थोड़े सा थोड़ा सा पीछा इसलिए बहुत सारे लोग जो सेल फोन पर हमको फ़ोन करते हैं मेरा फ़ोन मोस्टली म्यूट पर होता है कितना फ़ोनों पर अपनी जानों को ख़र्च करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ख़र्च करेंगे फ़ोनों से निकालें अपने आप को हाँ ज़रूरी काम की बात तो ज़रूर होनी चाहिए लेकिन ये इसलिए कि अब हमारे पास एक दूसरे से पहुँचने का एक दूसरे तक पहुँचने का ज़रिया यही है लेकिन हर वक्त फ़ोन पर रहना यह सही नहीं है एक टिंग हुआ हम बेचैन हो गए कि जना पता नहीं अब क्या वही आ गई हमें देखना ज़रूरी है उस वही को बच्चों को भी जब हम नमाज़ पढ़ाने के लिए तो वो पॉकेट में रखें बच्चे फ़ोन से अलग होना चाहते ही नहीं है लड़कियाँ जो मस्जिदों में आती हैं नमाज़ को टेलीफ़ोन को अपने सामने सजदे की जगह पर रखती हैं और सामने वाला फ्रंट वाला उठा के रखती है सामने ताकि उसके अंदर की चमक उसके मैसेजेस वो नमाज़ में भी पढ़ती रहें ना ज़ालिक ये क्या हो गया हम कहाँ जा रहे हैं अगर नमाज़ पढ़ना है तो दिल से पढ़ो भाई एक चीज़ को जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है उस उसको हटा के रखो बच्चों को आदत दें कि वो टेलीफ़ोन पूरी तरह टेलीफ़ोन से हटे उसके बाद उनको बात सुनाई जाए फैमिली में एक डब्बा रखा जाए सबके फ़ोन उस पर डाले जाए और उसके बाद कहा जाए अब जो बात हम करेंगे वो अब इस फ़ोन पर से हट के अब हम पूरी तरह सुनेंगे इसलिए कि वो जब अगर फ़ोन के पास होते ओ ओ फोन के ऊपर टेस्ट कर रहे हो आई एम लिसनिंग आई एम लिसनिंग यू आर नॉट लिसनिंग वी नो दैट तुमको ये लगता है कि वो जो मैसेजेस हैं उस पर मेरी तवज्जो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत अम्मी के बात के इसलिए माओ को ये चाहिए कि बच्चों को फ़ोन से थोड़ा सा दूर रखना सिखाएँ आगे चलते हैं इन शी इसको मुकम्मल करते हैं इस वक्त आयत नंबर हम एटी फ़ोर पर हैं बस ए नबी बड़ी इंपॉर्टेंट नसीहत अल्लाह रब्लम की हम सबको सुनना चाहिए और नबी वसलम को नसीहत की जा रही है आप अल्लाह के राह में लड़िए आप अपनी ज़ात के सबक किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हैं अल्बत्ता अहले ईमान को लड़ने के लिए उकसाइए यही है ये ये ना मोटिवेशन देना बीत नहीं वो दिन दूर नहीं कि अल्ला काफिनों का, का, का ज़ोर तोड़ दे और अल्लाह का ज़ोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है जो भलाई की सिफ़ारिश करेगा वो उसमें अपना हिस्सा पाएगा जो बुराई की सिफ़ारिश करेगा वो उसमें अपना हिस्सा पाएगा और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है तो यहीं पर हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं इन शाह तला इसलिए कि आगे जो है वो एक और मसला शुरू हो रहा है वो सलाम का है हम इस पर तफसील से जाएंगे कल इन तो आज हमारा मेरा ये तो था कि हम सूरत को आज मुकम्मल कर लें मगर बात यहीं पर है कि सूरत एक इतनी इंपॉर्टेंट सुरह है कि जिस पर से हम जितनी दफ़ा भी गुज़रते हैं हमको लगता है कि नहीं हमको तफसील के साथ जाना चाहिए इतने मसाल और इतनी बातें इसमें बताई जा रही हैं तो हम और आप इसको तफसील से गुजरने में, में मेरी मदद करिए इन और यहाँ पर जो जो हुक्म अल्लाह के अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है यही मेरे लिए भी है यही आपके लिए भी है कि मेरा बस और मेरा इख्तियार सिर्फ़ अपनी ज़ात पर है तो अल्लाह के रास्ते में लड़ने में सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात को लगाया जाएगा बाद में दूसरों से मुतालबे किए जाएंगे है ना तो सबसे पहले और लीडरशिप क्वालिटी यही है किसी को आप लीडर कब मानेंगे और कब मानना चाहिए जब आप किसी को देखें कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और लीडर करता है आपसे ज़्यादा मेहनत लेकिन बाज़ क्या होता है ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोग आते हैं चापलूस टाइप के और हम यही कह रहे चापलूसी होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर एक चीज़ होती है जिससे वो लीडर के अलावा दूसरों को बढ़ावा देना शुरू कर ओ आप तो इतने अच्छे हैं ओ आप तो इतने अच्छे हैं वो आप तो इतने अच्छे हैं जो चीज़ उनको पसंद आती है ना उस एतबार से वो लोगों की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं और क्या होती है इससे बात लीडर को की थोड़ी सी जो जो लीडर है जो उस ग्रुप को क्रिएट करने वाला है उसकी थोड़ी सी इज़्ज़त में कमी करते हैं दूसरों को भी ज़्यादा चढ़ाने से लोगों को भी क्या होता है अपने बड़े होने का एहसास एक बढ़ता चला जाता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने दर्जा बदर्जा लोगों को कुछ आदाब सिखाए हैं तारीफ़ करने का भी एक अदब और एक, एक तमीज़ होनी चाहिए बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से इतना बढ़ा चढ़ा देना कि जी उनसे जैसे कि अभी अभी हमारे मिजाज में ही शामिल हो गया ना हमने बाज़ बुज़ुर्ग लोगों की इबादतों को अल्लाह के नबी से से भी बड़ा चढ़ा के पेश करनी शुरू कर दी वहीं से चला आ रहा है ये सिलसिला कि लोगों ने नबी से भी बढ़ा दिया अपने कुछ बाज़ बुज़ुर्गों को और अपने पीरों को तो वहीं से ये सिलसिला चला रहा है ये आज तक चलता है और अभी तक चलता है और अभी तक देखा जाता है अपने ग्रुप में दिखाई देता है ये लोगों की तारीफ़ें करनी चाहिए इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई लीडरशिप इतना तंगदिल नहीं होता कि दूसरों की तारीफ़ से खुश ना हो लेकिन तारीफ़ करने में और चढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है बहुत ज़्यादा फ़र्क है चढ़ाया ना जाए लोगों को और अपने लिए कोई रास्ता ना साफ किया जाए कि मैं इनको अपनी लपेट में लेके कोई अपना फ़ायदा इस्तेमाल कर लूँगी इससे हट के पूरे ग्रुप आप जुड़े हैं ना तो पूरे ग्रुप के साथ जुड़े हैं फिर ग्रुप का जो एक अदब व अदाब है एक तमीज़ है और एक चीज़ है उसके साथ चलना चाहिए तो इन श्ल्ला हम ये बात तो दूसरी तरफ चली गई लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरत रहती है बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि वो नुक़सान कर रहे हैं और बाज लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं नुकसान इसलिए लोगों को बददिल ना किया जाए अपने लीडरशिप से लोगों को जिस ग्रुप से आप जुड़ें उसकी लीडर की ख़ुद भी अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें और दूसरों के दिलों में भी बाकी रहने देंदब अहतराब यहाँ पर अल्लाह त अपनी ज़ात के ऊपर सिप्पा सड़क तैयार है तो हम लगा जाएँ अपनी ज़ात को इन शाह कोई बहुत बड़ा ग्रुप अगर ना भी क्रिएट कर सके कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं भी कर सके अगर हम अपनी मेहनत अपना वक्त अपनी सलाहियत अपनी आँखें अपने दिन और रात अपनी जान अपनी क़वतें सर्व कर रहे हैं ना इसमें तो बस हम कामयाब हैं इन शाह तबीन ने कहा कि जब तुम ऐसा करोगे और तुम लोगों को भी मोटिवेट करो सबसे ज़्यादा मेहनत पहले अपनी है उसके बाद लोगों को मोटिवेशन है और लोगों को मोटिवेशन महज बातों से नहीं आती ये बात लिख लीजिए जब तक आपके अंदर वो मेहनत दिखाई नहीं देगी लोगों के अंदर वो तासीर नहीं उतरेगी तासीर उतारने के लिए और तासीर पैदा लो कर लोग कहते हैं तासीर कैसे पैदा की जाए अपनी बातों में अल्लाह करे ये बस दुआ तो है ना अल्लाह से मांगी जाएगी कि अल्लाह मेरी ज़बान में असर पैदा कर दे हर एक को मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरी ज़बान में ताकि मेरी बात मेरी ज़बान से जो निकले वो अल्लाह करे कि दिल तक पहुँच जाए है ना ये दिल से निकली हुई बात लेकिन सबसे पहले अपने दिल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए अगर दिल से निकलेगी ना तो दिल तक पहुँचेगी अगर अगर उसके अंदर मेहनत होगी ना तो मेहनत आगे दिलों को छू जाएगी तो तासीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महज महज ढोल नहीं पीटना बल्कि उस मेहनत के ऊपर लग जाना जो मेहनत अल्लाह के नबी सलील आसम की ज़ात में पाई गई और पाई जाती थी और जो हम तक पहुंची है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ख़ुद आगे बढ़कर हर चीज़ में जब आपने लोगों को अल्लाह के रास्ते में लड़ने की तरगीब दी तो सबसे ज़्यादा आप आगे पाए जाते थे जो है वो जंग में बहादुरी के साथ सहाबा आपकी हिफाजत करने के में लग जाते थे कि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए आगे जाने से जब आपने खंदक खोदने का हुक्म दिया और एक साहबी ने आकर अपना पेट खोल के दिखाया कि एक पत्थर बंधा है या रसलोल्ला हम इतनी मेहनत का काम कैसे करें भूख की तो हालत ये है जिसमें में तो कुछ भी नहीं है कि ताकत हासिल करें और खंदक खोदें आपने अपना अपना अपनी चादर हटा के दिखाई कि दो पत्थर बंधे थे तो लीडरशिप क्वालिटी ये होती है कि सबसे पहले मेहनत करें और सबसे ज़्यादा मेहनत करे तभी जाके वो मेहनत आगे बढ़ती है और कोई ये ना समझे कि जी किसी एक की मेहनत से ये सारा काम हो कोई लीडर ना ये समझे कोई एक इंसान ना ये समझे कोई दूसरा ये इंसान ना समझे ये सब टीम वर्क होता है टीम अफ़र्ट होता है तभी जा करके इसका जो है ना नतीजा निकलता है तो पूरी टीम को के लिए दिल के अंदर मुहब्बत होनी चाहिए इन शाला किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होनी चाहिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताली हमें सिखाए के अदब अदब सिखाए ना मैनर्स सिखाए टिकेट सिखाए इतने बुढ़े बुढ़े हो गए हैं मैनर्स नहीं आते इतने बूढ़े हो गए बात करने की तमीज़ नहीं आती इतने बूढ़े हो गए बहुत सारी चीज़ें नहीं आती अब कब सीखेंगे वजह क्या है कुरान से दूरी अब तो कुरान के साथ नहीं चले अब चल रहे हैं इन शी हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी पर्सनालिटीज़ को हमारी शख्सियत को और हम सब को इसी के नूर से इन शाह नूरानी कर देगा हमारी ज़बानों को भी हमारे दिल को भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को संवार दे हम सब को ऐसा बना दे जैसा वो हमें देखना चाहता है या हम सब की ज़बानों पर दिल के अंदर जिसम में या अल्लाह हमारे कल्बी आ, कल्ब को नूर नूर बना दे वो दुआ कितनी अच्छी है अल्लाबी नूरा अ, अल्ला जलनी कलबी नूरा तो कितनी अच्छी दुआ है उसको याद करते हैं कि किस तरह बंदा मोमिन एक नूर बन जाता है एक हिदायत का रोशनी पूरा उसका उसकी पूरी पर्सनालिटी है एक रोशनी का चिराग बन जाती है वो एक मीना रोशनी का मीनार बन जाता है जिससे कि लोग हिदायत भी हासिल करते हैं रोशनी भी हासिल करते हैं नरमी भी हासिल करते हैं और मोहब्बत भी हासिल करते हैं जिसके छाँव में लोग रहना चाहते हैं अल्लाह करे हम सब अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे अल्लाह करे कि हमने जो पढ़ा है जो सीखा है जो ख़ास तौर पर आज चीज़ें हमारे लिए सीखने का की ज़रूरत बनी है कि अपने आप को लगाया जाएगा अल्लाह के रास्ते में जो भलाई आएगी जो कुछ भी हमको जिससे भी हमको एक घोट मज़ा मालूम हुआ ना चाय का तो अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उसने पहुंचाया है ये मज़ा मेरी ज़बान तक और उसने दिया है मेरी ज़बान में ये मज़ा जिसकी वजह से हम को मज़ा हम मज़े से लुफानंदोज़ हो रहे हैं अल्लाह के इनाम याफ़्तर लोगों की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा की जाएगी और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है ना अल्लाह के नबी और उसकी अल्लाह के नबी की इताअत की दुआ मांगी जाएगी और शिर्क से हर दर्जा पनाह मांगी जाएगी हुकूकुल इबाद को जो है वो समझा जाएगा और हुकूकुल इबाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार मांगा जाएगा कि अल्लाह हमें आप ऐसा बना दीजिए जैसा कि आप हमें देखना चाहते हैं और अल्लाह के आगे उस गवाही के लिए तैयार होने की कोशिश और फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि जब हमसे पूछा जाएगा कि क़ुरान तुम्हारे पास था तुमने इस पैगाम को पहुँचाने में कितना अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बस हमें अपनी रहमतों में जगह दे, हमें माफ़ कर दे या अल्लाह। पहले नहीं पता थी बात अब ये बात पता चल रही है और जितना जितना पता चलती है उतना उतना अपने आप को मुजरिम समझते जाते हैं लेकिन अल्लाह तेरी रहमत बेशक कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पर छाई है या अल्लाह हमें माफ़ कर दें यह अल्लाह हमारी तमाम कमी होताही पे अल्लाह जैसे तूने इस दुनिया में पर्दा रखा या अ आख़रत में भी पर्दा रखना या रब्लॉलमिन हम सब अपनी रहमतों में जगह देना या अ नबीसम की शिफात से अल्लाह महरूम न करना या थोड़ी सी टूटी फूटी कोशिश है, उसको कबूल कर लीजिए हम सब से राज़ी हो जाइए या अल्लाह या सबको नवाज़ दीजिए या या दुनिया में जहाँ भी कहीं कोई तकलीफ में सबकी तकलीफ को दूर कर दीजिए अल्लाह बीमारों को शफात शिफा कीजिए हमारे तमाम जो जराए हैं इस बीमारी से लड़ने के या अल्लाह हमारे डॉक्टर्स को हमारी तमाम फैसिलिटीज़ को या अल्लाह सबको को बढ़ा चढ़ा दीजिए या अल्लाह या अल्लाह हमारे दरवाज़े खोल दीजिए मसाजिद के हमारे हरम को खोल दीजिए या अल्लाह या अब रमज़ान करीब आ रहा राहत तो दिल हमारे इस दुख में है कि या अल्लाह इस इस बार अगर हम अपनी तरावियों को अपने मसाजिद में ना कर सके वो जो दौड़ दौड़ के जाने का मज़ा था जो मस्जिदों की हवाओं में चलने का लुत्फ था वो जो अल्लाह अकबर की सतह सदाई थी क्या हम महरूम रहेंगे इस साल यहाँ अल्लाह सबको माफ़ करके हमारी नमतों को दोबारा बहाल कर दीजिए बेशक हम ही मुजरिम हैं हम ही मुजरिम हैं हम अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं या लेकिन तेरी रहमत तेरे वे छाई है ये अल्लाह इस बंद होने में इस इस शर्म में जो खैर है अल्लाह उसको भी समझने वाला और उससे भी फ़ायदा उठाने वाला बना दीजिए या अल्लाह जो गरीब और भूखे लोग हैं जो इस वक्त इस इसारत की वजह से मर रहे हैं या अल्लाह उन सब की मदद करने की तौफीक अता कर दीजिए या अल्लाह या अल्लाह हमें भी नबी नबीम के हुक्म पर अमल करने की कोशिश की तौफीक अता कर दीजिए कि आपने कहा कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं यूँ लपे भर भर के देता मैं इधर देता और उधर देता और अपने सामने देता और अपने चारों तरफ़ दे रहा होता है अल्लाह नबी नबीम की उस सखावत को यह अल्लाह हमारे दिलों में भी उतार दीजिए या अल्लाह हमारे घरों में जो सामान जमा है अल्लाह उनको ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दीजिए या अल्लाह या अल्लाह दिल इतना बड़ा कर दीजिए या अल्लाह या रबालमी ने अल्लाह आपसे जो मांगा वो भी अता कर दीजिए जो ना मांग सके वो भी अता कर दीजिए अल्लाह आपसे माँगते उन तमाम चीज़ों की खैर जो प्यारे नबी सल्हलम ने मांगी उन तमाम चीज़ों के छह जो प्यारे नबी वसल्लम ने माँगी अल्लाह हम शाबान के महीने में अल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करने वाला बना दीजिए अल्लाह अपनी नाफ़रमानी से रोक दीजिए हमारे बच्चों को बेहतरीन हिदायत से नवाज़ दीजिए हमारे वालदेन को नवाज़ दीजिए अल्लाह मेरे वालिद की मेरे अब्बी की कोशिश कर दीजिए आप ही वाफानकर फिरत व शाहिद ना वावी ना वीर ना वक़कर ना वसान वफ़ो फाहीसलाम उमन तब हम सब के वाले को अपनी रमतों में जगह दीजिए अल्लाह जिसके ज़िंदा हैं उनको ख़िमत करने की तोफ़ी कदा कीजिए अल्लाह अल्लाह हम सब के आने और बैठने को कबूल कर लीजिए जन्नतफरदोस में जगत फ़रमा दीजिएमाइना न सलो कर जन्नतफ़िरदोसना ुबिका मिनार्माना सलोकनतफ़िरदोसुब्बिका मिनन् नार्लामाना सलोक फ्फरदोसवन ़़ुबिकखा मिनार यह अल्लाह बस हम सब के बैठने को कबूल करके रबना तकबर रहीम रबी जालनी मुक़ीमत सलाती वतीबनबल्दुआ रबली वाल वाल्मीना योमिस हमें मौत ना है मगर इस हाल में क्या आप हमसे राज़ी हों या रबी हमें मौत ना है मगर इस हाल में क्या आप हमसे राज़ी हों या अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल में क्या हमारी ज़बानों पर कलमा सुबह रबी का रब वामसली रबालमिन سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आमीन या رب العالمين आमीन या رب العالمين आमीन या رب العالمين अपनी दुआ में याद रखें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू